नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। सभी किसान भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में। और आज साथियों, नरमे की लास्ट बिजाई यानी इस सीज़न की 2021 की लास्ट बिजाई कर रहे हैं और कुछ नई वैरायटियां नरमे की जो है उसके बारे में साथियों आपके साथ चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी नई वैरायटियां हम इस बार अपने खेतों में लगा रहे हैं। एक तो शायद साथियों ऐसी वैरायटी जिसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा वो शायद आपने पहले नाम ही नहीं सुना होगा। तो नरमे की नई वैरायटी है, पैदावार भी अच्छी बताई जा रही है, तो वो है साथियों नाथ सीड का जो है हिमालय बीटी। आप देख रहे हैं नाथ सीड का हिमालय बीटी जो है वो इस बार हम एक पैकेट के ही माध्यम से बिजाई कर रहे हैं। ज़्यादा इसमें हमने रिस्क नहीं लिया है। तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी साथियों आपको जैसे जैसे ये उगाव करेगा, किस तरीके से फुटान ग्रोथ इसकी बढ़ेगी, फाल कैसे लेता है, जड़ता कितना है, पैदावार कितनी रहती है, वो सारी हम आपको देंगे। तो ये साथियों आप देख रहे हैं नाथ सीड है और हिमालय बीटी के नाम से ये जो नरमा है बीटी कॉटन, और इसकी प्रीमियम क्वालिटी बता रहे हैं, बहुत अच्छा बीज बता रहे हैं। तो इस बार फिर हमने इसको अपने खेत के अंदर लगाया है आधे एकड़ के अंदर। और साथियों इसकी भी खास बात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपके साथ में हर एक बीज के बारे में चर्चा की है, कुछ भी वैरायटी जो आम खास मशहूर है जैसे 776 है, 773 है, या US वालों की 81 है, 91 है, बायर कंपनी की है और अंकुर कंपनी की 555 अजय है, काफ़ी वैरायटियों के बारे में चर्चा की है। तो साथियों ये जो नाथ सीड की बात कर रहा था मैं हिमालय बीटी की, इन्होंने बताया है कि इसको आप मध्यम और हैवी ज़मीन में इसकी बिजाई कर सकते हैं, और इसकी बिजाई से पहले दो बार ज़मीन को बुआ लें और खरपतवार को आप अच्छे से नष्ट कर लें। बुआई अप्रैल से 15 मई तक कर सकते हैं, अप्रैल महीने की लेके और 15 मई तक इन्होंने खास तौर लिखा है। आम का साथियों आप देखते हैं कि बीटी नरमे की जो बिजाई है वो अप्रैल और मई लिखा होता है, इन्होंने लिखा है 15 मई तक, मतलब ज़्यादा पचेता ये नरमा आपको नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा साथियों इसमें इन्होंने बताया नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर 150 किलो, और फास्फोरस की मात्रा जो है वो 40 किलो प्रति हेक्टेयर, और पोटाशियम की मात्रा 20 किलो प्रति हेक्टेयर। और इन्होंने बताया अगर आपने गेहूं के खेत कपास लगा रहे हैं और कपास के लिए आपने फास्फोरस नहीं दें, अगर आपने गेहूं के खेत में अगर आप नरमे की बिजाई कर रहे हैं और गेहूं में आपने अगर फास्फोरस दिया है तो आपको फास्फोरस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने फास्फोरस में दे रखा है। और उसके बाद में साथियों इन्होंने कीट नियंत्रण के बारे में भी काफ़ी बातें की है कि आप इसके इसको जो आने वाले समय के अंदर हमारे को जो थ्रिप्स है या एफिड्स है, सफ़ेद मक्खी है, मिलीबग है, तो इनका किस तरीके से आप रोकथाम कर सकते हैं। ये लिटरेचर साथियों आम खास सभी बीज के साथ आता है, तो आप भी इसको देखा करो, थोड़ा ध्यान दिया करो क्योंकि इस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है और उसको देख के हमें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही साथियों, एक नया बीज आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके एरिया में आसपास में कहीं मिलता है तो, अच्छा बता रहे हैं थोड़ी दूर में बिजाई करें, अगली बार इसका रिजल्ट है वो आपके सबके सामने आ ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर हम नरमे की खेती के बारे में और अलग अलग खेती के बारे में, धान की खेती के बारे में, ज्वार मूंग मोठ की खेती के बारे में, ग्वार की खेती के बारे में आपके साथ आते रहेंगे और मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।